जवान नूरुद्दीन जंगी आपके मुंतजिर हैं। तलवार। ये तलवार मयाम में होगी या बाहर? क्यों ना सुल्तान पर छोड़ दे फैसला। अस्कलान की मौजूदा सूरत हाल पर मुझे अफसोस है सुरैया खातून। कुछ बोलिए, मैं हमतन गोश हूं। कौन लायानी है अगर फेल उसके ताबे ना हो? आपको अफसोस है तो वही कीजिए जिसकी जरूरत है अभी। और वो क्या है? वो शिकस्त हमारा नसीब ना बनती अगर आपका बेटा मंसूबा बंदी ना करता। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आप पर है, सो कीमत आपको भरनी होगी। अस्कलान की तरफ फौज नहीं भेज सकता, हालात मुनासिब नहीं है। ओ अच्छा, आपकी वजह से अपना वतन खोना पड़ा हम लोगों को और उसके बाद हम लोगों को बेइज्जत भी कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्ती में हमसे मुखलिस नहीं हैं, तो फिर दुश्मनी में अखलास जरूरी हो जाएगा। आपका गुस्सा आपके गम की तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। इसलिए कि अस्कलान जितना आपके लिए अहम है उतना हमारे लिए भी है। यही लफ्ज बोले थे ना, इन्हीं लफ्जों ने तो सूली चढ़ा दिया अस्कलान को। मेरा बाप मौत की दहलीज पर है, कैद हो गया भाई। हम लोग आपकी इन अखुवत की कहानियों से उकता चुके। तुम्हारे लोग मारे गए, तुमको अपना वतन छोड़ना पड़ा। अगर इस सूरत हाल में जंग छेड़ोगी हमसे तो भला कितने अरसे तक लड़ पाओगी? सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं पूरे अस्कलान की बात कर रही हूं। खौफ खाना हमारी सरिश्त नहीं, ना तादाद मसला है हमारे लिए। हमारे लिए है। इस वक्त जब सलीबियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हम मुसलमानों को मुसलमानों का खून बहाने नहीं देंगे। सुरैया खातून, अस्कलान सलीबियों के कब्जे में है और हज के रास्ते भी उन्होंने घेर रखे हैं। ये वक्त जज्बात का नहीं, अक्ल सलीम इस्तेमाल में लाने का है। हमें आपस की रंजिश भुलाने की जरूरत है ताकि हम उन्हें शिकस्त दे सके मिलके। हमने एक बार इत्तेहाद की कोशिश की थी, गलती की थी और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अस्कलान ही हमारा मसला है बस। मेरे सुल्तान, गैब्रियल इजाजत चाहता है।